बच्चों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? रिया आवाज आ रही है? बताइए बच्चों। हर्ष, इंग्लिश लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 9, ये वाली बुक निकालिए, और चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 88। हर्ष आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 9। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करें? यस मैम। चलो। इट वॉज अ डे दैट द चिल्ड्रन ऑफ स्प्रिंगर स्कूल लुक्ड फॉरवर्ड टू ग्रैंड पेरेंट्स डे। तो इट वॉज अ डे द चिल्ड्रन ऑफ, बच्चों प्लीज अपना माइक म्यूट करिए सबसे पहले, बहुत ज्यादा आपकी तरफ से नॉइज आ रही है। ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। तो इट वॉज अ डे द चिल्ड्रन ऑफ स्प्रिंगर स्कूल लुक्ड फॉरवर्ड टू। ऐसा एक दिन था जब स्प्रिंगर स्कूल के बच्चे जो थे वो सब जिसका बहुत ही इंतजार कर रहे थे, वो कौन सा डे था? ग्रैंड पेरेंट्स डे। दिस डे मेंट लॉट्स ऑफ फन, स्टोरी टेलिंग, गेम्स, एक्टिविटीज एंड सिंगिंग। और ग्रैंड पेरेंट्स डे का मतलब क्या होता था कि उस दिन ढेर सारा फन होगा, स्टोरी टेलिंग होगी, गेम्स खेले जाएंगे, एक्टिविटीज कराई जाएंगी और सिंगिंग भी होगी। अमित ग्रैंडफादर मिस्टर शर्मा वाज क्वाइट अ फेवरेट विद द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5। अमित के जो दादाजी हैं वो बच्चों में बड़े फेमस है, बहुत फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि he always had funny stories to tell. अब क्लास 5 के बच्चों को वो उनके ग्रैंड अमित के ग्रैंडफादर बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो हमेशा फनी स्टोरीज सुनाते हैं। फिर he would ask the children questions in between, और स्टोरीज के बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं और सिंग सॉन्ग और टू कुछ गाने भी सुनाते हैं और Sometimes get them to wear masks and act, और कभी कभी उनको मास्क देते हैं और एक्ट भी कराते हैं। तो अमित के ग्रैंडफादर को सारे 5 क्लास के बच्चे इसीलिए इतना पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से मजेदार स्टोरी सुनाते हैं और बहुत खुश रखते हैं उनको। तो बताइए बच्चों, किसके ग्रैंडफादर को सारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं? बताइए। अमित के। हाँ, अमित के ग्रैंडफादर को सब बच्चे बहुत पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो बहुत फनी फनी स्टोरीज सुनाते हैं और एक्ट भी करते हैं, स्टोरीज के बीच में क्वेश्चंस भी पूछते हैं। व्हाट स्टोरी आर यू गोइंग टू टेल अस टुडे ग्रैंडपा, आस्क वन ऑफ द चिल्ड्रन। तो उनमें से कुछ बच्चों ने क्या पूछा कि आज आप हम लोगों को कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं ग्रैंडपा? Do you want to hear an animal story or a funny story about silly people? अब grandfather पूछ रहे हैं कि तुमको कौन सी स्टोरी सुननी है, एनिमल की स्टोरी सुननी है या फनी लोगों की स्टोरी सुननी है? A funny story, silly, about silly people. They all chimed, सबने एक साथ चिल्लाया कि फनी स्टोरी सुननी है अबाउट सिली पीपल। Well, I have got your story ready, but first a riddle. चलो, मैं तुम्हारे लिए, मेरे पास तुम लोगों के लिए स्टोरी तैयार है, लेकिन सबसे पहले एक पहेली बताओ।
One day, a man was walking through the street when he saw a small fruit shop. एक दिन एक आदमी था, वो सड़क पर जा रहा था और उसने एक छोटी सी फ्रूट की शॉप देखी. There he saw an apple and a man, and grandpa coughed. गो तो तभी उन्होंने बोला कि जो आदमी था जो जा रहा था उसने शॉप पर एक एप्पल देखा, मतलब शॉप पर एक एप्पल देखा और एक आदमी, और वो कुछ बताते उससे पहले उनको खांसी आ गई और बोला गो. देन ही पॉज्ड एंड आस्क्ड, और तब वो रुके और उन्होंने पूछा व्हाट डिड द मैन बाय एंड ईट. तो बताओ बच्चों कि उस आदमी ने क्या खरीदा और क्या खाया. सो वील गिव यू द आंसर लेटर, टेल अस द स्टोरी फर्स्ट, द चिल्ड्रन डिमांडेड. तो बच्चों ने कहा कि दादाजी हम आपको स्टोरी का जो आंसर है, जो आपने रिजल्ट पूछा उसका जो आंसर है वो बाद में बता देंगे, पर सबसे पहले आप हमें स्टोरी सुनाइए. तो द चिल्ड, हाँ, so grandpa began his story. तो फिर grandpa ने story start कर दी. A certain man by the name of Gopal was expecting a visit from a friend he had not met in many years. तो एक आदमी था जो अपने दोस्त का wait कर रहा था. किसका wait कर रहा था? अपने friend का, है ना, दोस्त का. हाँ, तो वो ऐसा फ्रेंड था जिससे वो बहुत सालों से नहीं मिला था. He knew that his friend liked mangoes very much. उसको पता था कि उसके फ्रेंड को मैंगोज बहुत ज्यादा पसंद है. So he asked his servant to go and buy the finest mangoes in the market. तो उसने अपने सर्वेंट से क्या कहा कि जाओ और मार्केट से सबसे ज्यादा अच्छा वाला जो मैंगो होगा उसको लेकर आना. When the servant came back, he showed the two mangoes he had bought to his master. जब servant वापस आता है मार्केट से तो उसने दिखाया बच्चों को कि उसने जो दो mangoes खरीदे थे वो अपने master को दिखाया. Gopal was satisfied that they were the best. गोपाल को mangoes देखकर satisfaction हुई कि जो mangoes है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले हैं. He told the servant to dice them and serve them to the guest when he arrived. उसने अपने servant को क्या कहा कि इनको dice कर दो, cut कर दो, और जब guest जो है, मेरा जो friend है, वो जब आएगा, तो उसको serve कर देना. The mango smelled oh so sweet. जब उसने mangoes को dice किया, किसने किया dice? बताइए. सर्वेंट ने. तो जैसे उसने कट किया उसको बहुत ही स्वीट सी स्मेल आई. किसकी? मैंगोज की. आई वंडर व्हाट दे टेस्ट लाइक इफ दे स्मेल सो स्वीट. वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि कितना टेस्टी होगा ये खाने में अगर इसकी स्मेल ही इतनी स्वीट है. दे मस्ट टेस्ट Even sweeter, ये पक्का खाने में बहुत ज्यादा मीठे होंगे. Thought the servant as he cut them. जब वो कट कर रहा था मैंगोज को तब उसने ये सब सोचा. I'll taste just this one piece. अब वो कट करके क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ एक इस पीस को टेस्ट करके देखता हूँ कि ये मैंगो कितना टेस्टी है. However, he couldn't resist the temptation to go on eating. और जैसे उसने एक साइज खाया वो रोक ही नहीं पाया खुद को, उस टेम्पटेशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाया और वो लालच में आके खाना स्टार्ट कर दिया. One became two, two became four, and soon there were no mangoes left. पहले उसने एक खाया, फिर दो खाया, फिर कुछ भी मैंगो बाकी नहीं बचा. Suddenly, अचानक He saw the guest coming towards the house. और तभी वो क्या देखता है कि जो गेस्ट आने वाला था वो आ रहा है. Oh no, what am I going to do now? अब मैं क्या करूंगा? There are no mangoes to serve to the guest. Think. सोचो सोचो मुझे क्या करना चाहिए. गेस्ट के लिए सर्व करने के लिए एक भी मैंगो बचा नहीं है.
ही ग्रैब्ड अ रस्टी नाइफ, उसने एक अजीब सी नाइफ उठाई, रश टू हिज मास्टर एंड सेड, अपने मास्टर के पास दौड़ कर गया और बोला, आई कांट कट द मैंगोज, द नाइफ इज टू ब्लंट। उसने क्या कहा अपने मास्टर से कि मैं मैंगोज को नहीं कट कर पाया। क्यों नहीं कट कर पाया? क्योंकि नाइफ जो है वो बिल्कुल भी उसमें धार नहीं है, बहुत ज्यादा ब्लंट है। I'll sharpen it, गोपाल offered and went to the sharpening wheel in the garden shed. अब गोपाल ने क्या कहा कि अगर नाइफ शार्प नहीं है तो मैं जाता हूँ इसको शार्प करके तुम्हें ला कर देता हूँ। और वो कहाँ चला गया? गार्डन शेड में, गार्डन में जहां पर रखा हुआ था वो शार्प करने वाला व्हील, वहां पर गया। Then the servant ran out to meet the man who was coming. और तभी servant बाहर गया देखने के लिए कि जो आदमी आ रहा है वो वही गेस्ट है या नहीं है। Beware, beware, सावधान सावधान, he said anxiously, वो एकदम डर कर बोला। Don't come to our house, he pleaded, उसने एकदम गिड़गिड़ाया कि प्लीज यहाँ पर हमारे घर में मत आओ। क्यों मत आओ? My master has gone mad, मेरे मालिक पागल हो गए हैं। He wants to cut off both your ears, वो आपके दोनों कानों को कट करना चाहते हैं। Cut my ears? exclaimed the man, turning pale. Why? तो turning pale यानी कि एकदम वो चौंक गया, एकदम सफेद पड़ गया उसका फेस, और वो बोलता है कि मेरे ईयर्स कट करने वाले हैं, लेकिन क्यों? वो डर कर चीखा। Yes, see, there he is. वो क्या कहता है? हाँ, आप ही के ईयर कट करने वाले हैं, देखिए वहां पर वो है। Sharpening a knife, said the servant, pointing at his master. वो अपने मास्टर को पॉइंट करते हुए कहता है कि देखिए वहां पर वो अपनी नाइफ को शार्प कर रहे हैं आपके दोनों ईयर्स कट करने के लिए। द मैन सॉ दैट his host did really have a knife in his hand and was sharpening it. अब जो मैन था, जो आया था गेस्ट, वो देखता है उसकी तरफ जहां पे सर्वेंट उसको दिखा रहा है, तो सच में वो आदमी जो था उसके हाथ में एक नाइफ था और वो उसको शार्प कर रहा था। वो क्यों शार्प कर रहा था नाइफ, बताइए? ईयर कट करने के लिए। no, बताओ हर्ष। No, मैं था, क्यों कट कर रहा, शार्प क्यों कर रहा था नाइफ? मैं मैंगो को काटने के लिए। हाँ, क्योंकि नाइफ बहुत ब्लंट थी तो उसको तेज कर रहा था ताकि मैंगोज अच्छे से कट जाए, है ना? हाँ। He also had a very strange look on his face. और जब वो नाइफ को शार्प कर रहा था तो उसके फेस पे एक स्ट्रेंज सा लुक भी था। I'm not going in there, he told the servant firmly and turning around quickly. वो जल्दी से भागता है, मुड़ता है और क्या कहता है? मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। Started walking away as fast as he could. जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज वो भाग रहा था। The servant rushed back to his master and told him that the guest had run away with the mangoes. अब servant फिर से master के पास जाता है और उनसे जाकर क्या कह रहा है कि जो guest आए थे उन्होंने दोनों mangoes उठाए और भाग निकले। What? said his master horrified. अब उसका master भी एकदम डर गया, कह रहा क्या वो दोनों mangoes लेकर भाग गया? The greedy fellow, कितना लालची आदमी है वो। Has he taken all the mangoes? क्या उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब लेकर भाग गया? Yes, said the servant. Servant ने कहा, हाँ, वो सब लेकर भाग गया। Gopal, with the knife still in his hand, ran after the man shouting, please give me one at least. तो गोपाल जो नाइफ को शार्प कर रहा था, वो मैन भागता है नाइफ लेकर और क्या कहता है? प्लीज गिव मी वन एट लीस्ट, मतलब कि मुझे एक तो दे ही दो। तो जो मैन है वो और डर जाता होगा, वो क्या सोचता होगा कि ये पक्का मेरे ईयर मांग रहा है कि एक कान तो मुझे दे ही दो। गोपाल मदर द अदर मैन थॉट ही वॉज आस्किंग फॉर वन ऑफ हिज ईयर्स एंड ही रैन फॉर हिज लाइफ। The children laughed and laughed as Grandpa mimicked the man holding on his ears and turning away.
और सब बच्चे हंसने लगे जोर जोर से, सबको बड़ा मजा आया स्टोरी सुनकर, बड़ी मजेदार स्टोरी थी। आई कांट स्टॉप लाफिंग सेड अशरफ, अशरफ ने कहा कि मैं तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी मजेदार स्टोरी थी। एंड नाउ फॉर द रिडल, हैज एनीवन थॉट ऑफ द आंसर, आस्क ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने कहा मैंने जो तुमसे पूछा था पहली, उसका आंसर किसी को आता? गोपाल विद द नाइफ स्टिल इन हिज हैंड रैन आफ्टर द मैन शाउटिंग प्लीज गिव मी वन, गिव मी वन एट लीस्ट। द अदर मैन थॉट ही वाज आस्किंग फॉर वन ऑफ हिज इयर्स एंड ही रैन फॉर हिज लाइफ। और जो आदमी दौड़ रहा था उसने क्या सोचा कि पक्का ये मेरा दूसरा एक कान मांग रहा है, इसलिए वो और जोर से दौड़ने लगा। द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड लाफ्ड एज ग्रैंडपा मिमिक्ड द मैन होल्डिंग ऑन हिज इयर्स एंड रनिंग अवे। सो जो ग्रैंडपा है उन्होंने एक्ट किया किसकी तरह, जो आदमी अपने कानों को होल्ड करके भाग रहा था उसकी तरह ग्रैंडपा ने भी एक्ट किया, तो बच्चे जोर जोर से हंसने लगे ग्रैंडपा की मिमिक्री पर। आई कांट स्टॉप लाफिंग सेड अशरफ, अशरफ ने कहा बहुत हंसी आ रही है। एंड नाउ फॉर द रिडल, अब रिडल का टाइम था। हैज एनीवन थॉट ऑफ द आंसर, आस्क ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने पूछा कि बताओ, जो मैंने रिडल पूछा था स्टोरी के पहले, तो रिडल पूछा था इसका आंसर क्या होगा। तो यस आई हैव, मीना सेड एक्साइटेडली, मीना खुशी से बोलती है हाँ हाँ मुझे आंसर पता है। आई थिंक यू मेंट ही सॉ अ मैन गो, व्हिच मींस ही बॉट एन एप्पल। तो मीना बोलती है कि आपने जो बोला था कि जो मैन जिसने एक एप्पल देखा था और फिर चला गया, तो पक्का उसने एप्पल ही लिया होगा। सो आंसर ऑफ दिस रिडल इज एन एप्पल। ब्रिलियंट थिंकिंग मीना, लेट्स क्लैप फॉर हर, ग्रैंडपा सेड। ग्रैंडपा ने कहा बहुत अच्छा तुमने जवाब दिया है मीना, सारे बच्चों ने उसके लिए क्लैप किया। एंड फॉर यू ग्रैंडपा, दे ऑल कोरस, और सारे बच्चों ने एक साथ उनके लिए, ग्रैंडपा के लिए भी क्लैप किया जो उन्होंने इतनी मजेदार स्टोरी सुनाई। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आस्क ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने पूछा कि आप लोगों को इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है, क्या समझ में आया। डोंट डू बैड थिंग्स एंड यू वोंट हैव पिक्चर लाइफ। जुई ऑब्जर्व प्रॉम्प्टली, जुई ने बोला कि कुछ भी बुरा मत करो जिससे कि आपको उससे बचने के लिए झूठ बोलना पड़े। तो जुई ने बताया कि मुझे यही सीखने को मिला इस स्टोरी से, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे कि आपको झूठ बोलकर उसे छुपाना पड़े। ग्रैंडपा वॉज हैप्पी दैट दे हैड अंडरस्टूड द स्टोरी। ग्रैंडपा को बहुत खुशी हुई कि सारे बच्चों को स्टोरी एकदम अच्छे से समझ में आ गई। तो आप लोग को ये रिविजन समझ में आ गया बच्चों? Yes, ma'am. चलिए मैम टिकला लगा दीजिए। अच्छा वर्ड मीनिंग देखते हैं, चाइम्ड इन। तो चाइम्ड इन का मतलब क्या होता है? सेड टुगेदर। एंग्शियसली का मतलब क्या होता है? इन अ वरीड मैनर। प्लीडेड, आस्क फॉर समथिंग सीरियसली, किसी चीज के लिए बहुत ही सीरियसली पूछना। Turning pale, looking almost white because of fear, डर के मारे एकदम white दिखना। Horrified, horrified मतलब shocked, डर से एकदम shock हो जाना। Mimic का मतलब क्या होता है? Copied how someone speaks, moves, behaves and to make others laugh. Mimic का मतलब होता है किसी की copy करना और उसकी तरह बोलना और हंसाना। तो क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड ग्रैंड पेरेंट्स डे। ग्रैंड पेरेंट्स डे के लिए बच्चे क्यों इतना वेट कर रहे थे? द चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड ग्रैंड पेरेंट्स डे बिकॉज द डे मेन ऑफ फन स्टोरी गेम एक्टिविटी एंड सिंगिंग। तो ग्रैंड पेरेंट्स डे पर वो लोग इतना वेट इसलिए कर रहे थे बिकॉज दे हैड स्टोरी टेलिंग गेम्स एक्टिविटीज एंड लॉट्स ऑफ फन, है ना? यस मैम। यस मैम।
How did grandpa make the storytelling interesting for the children? बताइए. Grandparents make his storytelling interesting for the children. He about had fun story to tell. He would ask the children question in between sing a song or two, and sometime give them a beer, mask, and art. हाँ, he always had funny stories to tell. He would ask the children questions in between, sing a song or two, and sometimes get them to wear masks and act. Okay, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है आपकी तरफ से पीहू. Mute your mic. Where did Gopal send his servant and why? Gopal ने अपने servant कहाँ भेजा और क्यों? Gopal said his servant because he knew that his friend liked mango very much to go and buy the finest mangoes in the market. Gopal ने अपने servant को finest mango in the market लाने के लिए बोला, और क्योंकि वो जानता था कि उसका जो friend है वो बहुत ज्यादा mangoes पसंद करता है. So the next question is, what was the servant asked to do when he returned? Servant को क्या करने के लिए कहा गया जब वो वापस आया तो? Gopal told the servant mango and served them to the guest when he. Gopal said the servant to guide the mango. जिसको mango को cut करने के लिए बोला गया. What did the servant tell Gopal about his friend? Why did he grieve it? गोपाल को उसके फ्रेंड के बारे में क्या बताया? बताइए. द सर्वेंट टोल्ड गोपाल अबाउट हिज फ्रेंड ही इट बिकॉज ही सॉ द गेस्ट रन अवे. हाँ, गोपाल के सर्वेंट ने उसको बताया कि जो आपका गेस्ट है वो दोनों मैंगोज लेकर भाग गया है ना, और गोपाल ने क्यों कर लिया क्योंकि उसने देखा उसको भागते हुए. तो हु सॉ ग्रैंडपास रिडल, व्हाट वाज द आंसर? बताइए ग्रैंडपा के रिडल को किसने सॉल्व किया और आंसर क्या था? मीना सॉल्व ग्रैंडपा रिडल. हाँ, मीना ने ग्रैंडपा के रिडल को सॉल्व किया एंड द आंसर वाज एन एप्पल, है ना? एप्पल. यस मैम. सबको समझ में आ गया स्टोरी एंड क्वेश्चन आंसर बोथ? यस मैम. चलो, यस मैम. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे. ओके, यस मैम. थैंक यू बच्चों, बाय बाय.